जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो नई रिसर्च आई है उसके अनुसार जो कोरोना वायरस है वो हवा में भी फैल रहा है। तो हवा में जो कोरोना वायरस फैल रहा है उससे हम कैसे बचें और क्या क्या हमको सावधानी बरतनी चाहिए, उसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीनचंद पांडे होम्योपैथिक पद्धति से समस्याओं का समाधान बताने की प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक लेके आऊँ जो कोरोना वायरस तो नई रिसर्च के अनुसार पता चला है कि कोरोना वायरस हवा में भी फैल रहा है। अभी अभी एक जनरल में लेख आया है और साथ में हमारे एम्स के डायरेक्टर जो हैं रणधीर गुलेरिया, उनने भी इस बात को पुष्ट की है कि कोरोना वायरस जो है हवा में फैल रहा है। तो हवा में फैलने का कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब हम खांसते हैं या बोलते हैं या हम छींकते हैं तो ड्रॉप्स उसमें गिरते हैं। जो ड्रॉप्स जो हैं, पार्टिकल जो हैं, बहुत दूर दूर तक तो फैलते हैं। जो हम कहते थे कि सफाई कर दो, बार बार सफाई करो, तो उसका कारण ये था कि ड्रॉप्स जो गिरे हुए हैं उसमें वायरस के जो कण हैं वो कण जो है पूर्ण रूप से किल हो जाए, पूर्ण रूप से मर जाए। अब यह है कि जरूरी ध्यान देने की बात यह है कि हवा में कैसे फैल रहा है। मान लीजिए एक कमरे में लोग बैठे हुए हैं और वहां पर एक ने खांसा या छींका, तो भले ही दूर बैठे हुए हैं तो हवा से होते हुए जो पार्टिकल जो है, छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, वो पार्टिकल जो है तुरंत कोई भी इनहेल कर सकता है उसको। तो इसलिए ऐसे एरिया में जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो वहां पर डबल मास्क लगाएं, या आप जो डॉक्टर लोग पहन रहे हैं N95 लगाएं, या आप डबल मास्क लगाएं, एक कपड़े का मास्क ले लें और उसके बाद एक ट्रिपल लेयर वाला एक मास्क ले लें जिसको आप मुंह में जरूर लगाएं। और साथ में कभी भी जो कहा है कि 2 गज की दूरी, इसलिए कहा कि दूर से आगे बात करेंगे या दूर रहेंगे तो तुरंत फैलने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो हवा से फैल रहा है तो जरूरी है कि आप डबल लेयर मास्क जरूर पहने, एक मास्क पहने उसके ऊपर से दूसरा मास्क पहने, या आप N95 मास्क पहने। उसका कारण क्या है कि इनसे पूरा चेहरा हमारा ढका रहता है। जैसे ये मैंने पहन लिया एक, और इसके ऊपर से ये काफी हद तक लेयर बन गई इसकी, और उसके ऊपर से मैंने दूसरा पहन लिया तो ये पूरा एरिया मेरा ढक गया, जो एरिया बरात पूरा ढक गया। तो कहीं से कहीं तक हवा जो ड्रॉप्स आने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो कोरोना वायरस होने के चांसेस नहीं के बराबर उसमें हो जाएंगे। नए वीडियो साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।